So hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to start SA 300 series, right? तो हमने SA 200 की सीरीज पूरी ओवर कर दी है, उसके अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। हाउएवर ऑडिट की नवंबर 21 की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये दिख जाएगा। अब हम जो है SA 300 को रिवाइज करते हैं, राइट? और रिवाइज करने के लिए पर्टिकुलर नोट्स है। आपको क्या करना है कि आपके खुद के नोट्स बने होंगे, आपके खुद के चार्ट्स होंगे, कंटेंट तो पूरा सेम है। आपको इस वीडियो को सुनना है, इनफैक्ट मैं तो बोल रहा हूँ कि देखना भी नहीं है, आपको सिर्फ सुनना है आपको जो है, और अपने साथ अपने चार्ट्स लेकर रखना, पेन वेन सब लेकर रखना, और जो है टिक मार्क करते जाना, और जो भी आपको अगर लिखना है तो लिखते जाना, जैसा भी है आप अपने नोट्स के थ्रू पढ़ना, कॉन्टेंट यही रहेगा, ठीक है? तो इसके साथ हम जो है क्वेश्चन भी रिवाइज कर लेंगे, इन द सेंस कि बीच बीच में जो है क्वेश्चन का कॉन्टेंट भी रहेगा कि देखो ये पर्टिकुलर पे क्वेश्चन आया था, चलो इसको अच्छे से देख लो, जो भी है वो पर्टिकुलर लिखा हुआ रहेगा, जैसे इधर लिखा हुआ जैसे क्यू, ठीक है? तो वो सबका ध्यान रख लेना, वो मैं इनफैक्ट बोल भी दूंगा। और अब हम जो है 6 पेज की PDF है, फटाफट ख़त्म करते हैं, इसमें पहला पेज तो वैसे भी कंटेंट का है। चलो तो पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। पहले इंट्रोडक्शन तो छोड़ो, ऐसे 300 क्या होता है, ऐसे 300 बोलते हैं प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट प्लान की बात कर रहे हैं, ठीक है? इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं। अब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी ऑडिट प्लान बनाना, ठीक है? ये रहेगा जब आप जो है रिकरिंग ऑडिट कर रहे हो तो आपको ऑडिट प्लान बनाना है। वो किसी भी चीज़ की प्लानिंग इसलिए करी जाती है ताकि एक हमको डायरेक्शन मिले, ताकि जो है एक इफेक्टिव मैनर में, ठीक है, इफेक्टिव मैनर में ऑडिट हो, राइट? तो ऐसा नहीं बोला जाता है कि प्लानिंग सिर्फ एक बार ही होती है, ठीक है, कि ऑडिट के पहले ही प्लानिंग होगी, नहीं, प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इनफैक्ट ये पिछली ऑडिट के ख़त्म होने पर चालू होती है, राइट? जैसे लिखा हुआ है कि प्रीवियस ऑडिट के एंड होने पे स्टार्ट होती है और करंट ऑडिट के एंड होने तक चलती है। प्लानिंग का दायरा ऐसा है, राइट? स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। तो प्लानिंग जो होती है वो डिस्क्रीट फेज नहीं है कि एक पर्टिकुलर फेज में लगता है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। एंड कंटिन्यूस प्रोसेस तो है, साथ में हमने जो स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट भी बताया। हाउएवर अपन ने प्लानिंग की बात करी कि एक वो जो फेज है वो डिस्क्रीट फेज नहीं है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट है। साथ ही साथ प्लानिंग में इंक्लूड कंसिडरेशन कि आप ये सब चीज़ें भी देखो, ठीक है, कि टाइमिंग ऑफ सर्टन एक्टिविटीज़ एंड ऑडिट प्रोसीजर डैट नीड टू बी कम्प्लीटेड, कि कुछ एक्टिविटीज़ है, कुछ प्रोसीजर है जो हमको कंप्लीट करना है, और प्रायर टू परफॉर्मेंस ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है, कि ये जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करें ना, इसके पहले हमको ये ख़त्म करना है, या प्रायर टू परफॉर्मेंस ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, या प्रायर टू परफॉर्मेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है, इनके पहले मैं वो कुछ चीज़ें ख़त्म करनी है। एक टाइमिंग प्लानिंग में ये भी कंसिडर करते हैं क्या ये एक्टिविटीज और प्रोसीजर तो मेरे को पहले ख़त्म करना है। कुछ इधर एग्जांपल देके रखे हैं कि यार देखो ये पर्टिकुलर मैटर है जो आपको जो है प्रायर टू स्टार्टिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के स्टार्ट करने से पहले प्लानिंग कम से कम इन मैटर्स पे कंसीडर करें, इन मैटर को ध्यान दें। सी एक पॉइंट ये भी है कि आपको जो है बिगिनिंग स्टार्टिंग करने से, ठीक है, स्टार्टिंग करने के पहले आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये फर्दर ऑडिटर एक्टिविटीज़ ये फर्दर एक्टिविटीज़ एंड ऑडिट प्रोसीजर डैट नीड टू बी कंसीडर डैट नीड टू बी कम्प्लीटेड, ठीक है, दोनों चीज़ हो सकती है कि कुछ प्रोसीजर आपको कंप्लीट करने रहेंगे, कुछ प्रोसीजर आपको कंसीडर करना रहेगा बिफोर बिगनिंग ऑफ द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर या बिफोर बिगनिंग ऑफ द आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कुछ चीज़ों को पूरा कर लो, कुछ चीज़ों पर कम से कम ध्यान दो प्लानिंग करते समय, जिसका पर्टिकुलर निमोनिक है पम्बला एक्सपर्ट, इन द सेंस कि आप पहले से ही कंसीडर करो कि आपको जो है अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आपको क्या लगाने रहेंगे। सिंस आगे आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाओगे तो सबसे पहले कि आप पहले सिलेक्ट कर लो, एक बार कम से कम कंसीडर करो कि क्या आपको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे। मटेरियलिटी डिटर्मिनेशन, राइट, डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी, एल्से लीगल फ्रेमवर्क जो है एप्लीकेबल टू द एंटिटी, और लीगल जो फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है और एंटिटी किस तरीके से उसको कंप्लाई कर रही है। अब परफॉर्मेंस ऑफ अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर इससे ही एक जुड़ा हुआ है कि एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी अप्लाइड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, कि क्या आपने को किस तरीके से एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना है, कि एनालिटिकल प्रोसीजर किस एरियाज में लगाना है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट, तो इन सब पे एक बार कंसीडरेशन कर लो कि यार एक्सपर्ट का इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए कि नहीं चाहिए। मतलब बोला जाता है कि एक तरीके से नज़रें घुमा लो इस पर, राइट, कि प्रायर टू परफॉर्मेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर आप इन सबको एक बार कंसीडर कर लो।
मैं वापस से रिपीट करता हूँ, सबसे पहले परफॉर्मेंस ऑफ अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, एम से है मटिलिटी डिटर्मिनेशन, एल से है क्या लॉ रेगुलेशन एप्लीकेबल है एंड किस तरीके से एंटिटी उस लॉ रेगुलेशन को फॉलो करती है, ए से एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी अप्लाइड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को एक बार देख लो, और एक्सपर्ट क्या एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट। तो देखो इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने, एक पढ़ा कि प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो हाँ ठीक है, हमने डिस्क्रीट फेज देखा, हमने फिर देखा इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो है टाइमिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज एंड ऑडिट प्रोसीजर टू बी कंप्लीटेड और कंसिडर्ड, ठीक है, बिफोर असेसमेंट, जिसमें अपने पम्ला एक्सपर्ट देखा। अब आता है पॉइंट रिक्वायरमेंट ऑफ SA300 प्लानिंग, कि SA300 में कुछ रिक्वायरमेंट बता के रखी है। सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट ऑफ की इंगेजमेंट टीम मेंबर। देखो यार प्लानिंग जो है इंगेजमेंट टीम में सब इन्वॉल्व नहीं होते, की इंगेजमेंट मेंबर की हमको ज़रूरत है, राइट। अब की इंगेजमेंट टीम मेंबर को प्लानिंग में इसलिए चाहिए क्योंकि देखो इनका पार्टिसिपेशन रहेगा, इनका एक्सपीरियंस है, तो इससे जो प्लानिंग है वो इफेक्टिव बनेगा, राइट। ये पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, इनके पास वैसे भी एक्सपीरियंस है, राइट, तो इनका पार्टिसिपेशन रहेगा, ये एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस लोग जब पार्टिसिपेट करते हैं तब प्लानिंग अच्छी हो जाती है, राइट। जब एक्सपीरियंस लोग जिन्होंने इतना सारा ऑडिट करा है वो जब वो प्लानिंग में इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक तरीके से प्लानिंग इफेक्टिव हो जाती है, इसलिए रिक्वायरमेंट ऑफ की इंगेजमेंट टीम मेंबर। तो हमने बोला कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ जो है की इंगेजमेंट टीम मेंबर, जिसका हमने एक वन लाइनर ही बना दिया, एक्सपीरियंस लोग जब पार्टिसिपेट करते हैं और अपना इनसाइट्स देते हैं तो प्लानिंग अच्छी हो जाती है। इससे चार पॉइंट निकलते हैं कि इनका एक्सपीरियंस काम आएगा, इनका पार्टिसिपेशन रहते हैं इसलिए कि इंगेजमेंट टीम मेंबर की ज़रूरत है, ये अपने इनसाइट्स देते हैं ताकि इफेक्टिव प्लानिंग हो जाए, और प्लानिंग अच्छी हो जाती है तो ले देखे वही है कि प्लानिंग इफेक्टिव और इफिशियंट हो जाती है, इसलिए की इंगेजमेंट टीम मेंबर की ज़रूरत है। फिर देखो जैसे कि हमने इंगेजमेंट टीम की बात करी, दूसरा कंसिडरेशन ये रहता है कि हमको प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ में ये इन एसेस को एक बार ध्यान रख लो। जैसे कि SA220 में अपन ने देखा है कि जब आप ऑडिट कर रहे हो तो ये भी देख लो कि आप क्वालिटी कंट्रोल प्रॉपर है कि नहीं है, ठीक है, इन द सेंस कि कंप्लायंस है कि नहीं ऑफ रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। देखो एथिकल रिक्वायरमेंट में इंडिपेंडेंस नहीं आता, अगर आप देखो IOCPC आता है, इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यू केयर कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, और प्रोफेशनल जजमेंट, इसमें इंडिपेंडेंस नहीं आता, इसलिए बोल रहे हैं कंप्लायंस ऑफ रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। आप एक बार ये भी देखो, एक बार इवेल्युएट कर लो कि कंप्लायंस हो रहा है एथिकल रिक्वायरमेंट्स का। फिर जैसे कि बात होती है SA210 में, भैया टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पे सब एग्री है कि नहीं है, राइट। जो भी SA220 की प्रोसीजर लगती है वो आप एक बार लगा दो, और SA210 में जो भी है कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में सब एग्री है कि नहीं है, तो हम जो है ऑडिट करना चालू करते हैं। तो जब भी कोई सा एंगेजमेंट स्टार्ट करते हो, अब भले ही आप जो है एक्सेप्ट कर रहे हो या भले ही रिकरिंग ऑडिट है, तो आप उसको कंटिन्यू करो, जो भी है आपको एक बार SA220 अपना देखना पड़ता है, ठीक है, वो देख लो। आप जो है SA220 की जो भी प्रोसीजर है एक बार वो देख लो कि वो प्रॉपर एक बार लग चुकी है कि नहीं लग चुकी है, देन रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, साथ ही साथ एक टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पे एग्रीड है कि नहीं है। तबने की ठीक है, हमने देख लिया, हमने देख लिया क्या कि इंगेजमेंट टीम मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। अब आती है बात प्लानिंग एक्टिविटीज़ की, तो प्लानिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहले इस्टेब्लिश ऑडिट स्ट्रैटेजी, इस पर तो क्वेश्चन भी आया था, सबसे पहले आप ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाओ, राइट। ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाने के बाद जो है आप ऑडिट प्लान बनाओगे, ठीक है। ऑडिट स्ट्रैटेजी जो है एक STD डिसाइड कर देती है, स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट, स्कोप ऑफ ऑडिट, एक टाइमिंग ऑफ ऑडिट एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट डिसाइड कर देती है STD, मतलब कि ऑडिट स्ट्रैटेजी। अब यही जो स्ट्रैटेजी है यही आपको जो है ऑडिट प्लान में गाइड करती है, क्या ऑडिट प्लान जब बनाने करेगा तो स्ट्रैटेजी ही इनको गाइड करेगा प्रॉपर तरीके से ऑडिट प्लान बनाने में। देखो अभी अपन ने ये पढ़ा था कि देखो जब आप प्लान करते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी पड़ती है, राइट। जहाँ पे हमने पम्ला एक्सपर्ट देखा था, ठीक है, मतलब प्रायर टू बिगिनिंग ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर आपको ये चीज़ें एक बार कंसीडर कर लो। वैसे ही स्ट्रैटेजी बनाते समय भी कुछ चीज़ें कंसीडर करनी पड़ेगी, तो ये 5 पॉइंट कंसीडरेशन के थे। तो देखो आपने क्या देखा कि सबसे पहले अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, कि जो भी एंगेजमेंट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। उस एंगेजमेंट में बकायदा आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंगेजमेंट, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, क्या क्या सिग्निफिकेंट फैक्टर्स है। तो सबसे पहले आप इंगेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हो, एक स्कोप को समझने के लिए, टू डिफाइन द स्कोप, क्योंकि ले देखे स्ट्रैटेजी तो स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शन ही बताता है आपको। तो आप सबसे पहले इंगेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स समझो, देन उसके बाद बताती है अब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव हम क्यों एसरटेन कर रहे हैं, ताकि देखो एसरटेन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंगेजमेंट टू प्लान द टाइमिंग ऑफ द ऑडिट, ताकि हम जो है टाइमिंग ऑफ ऑडिट समझ सकें। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव से हम टाइमिंग ऑफ ऑडिट समझ सके, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन समझ सके। फिर जो है आप ऑडिट स्ट्रैटेजी बना रहे हो
तो कंसिडर द फैक्टर्स, एक बार वो फैक्टर भी देखो जो सिग्निफिकेंट है, राइट, सिग्निफिकेंट फैक्टर भी समझ लो, क्योंकि उस फैक्टर उस एरियाज में ही एफर्ट देने हैं, ठीक है। तो कंसिडर द सिग्निफिकेंट फैक्टर फॉर डायरेक्टिंग द ऑडिट एफर्ट्स। तो देखो, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। स्कोप समझने के लिए कैरेक्टरिस्टिक समझो, टाइमिंग समझने के लिए रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव समझो, डायरेक्शंस देने के लिए डायरेक्शन ऑफ ऑडिट कि भैया उस जगह ध्यान देना तुम, तो डायरेक्शन समझने के लिए हमें जो है सिग्निफिकेंट फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। फॉर डायरेक्टिंग ऑडिट एफर्ट्स कंसिडर द सिग्निफिकेंट फैक्टर्स इन द ऑडिट। अब आपने स्ट्रैटेजी बनाई तो जो भी, अगर आपने प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ करी तो उससे कुछ आपको नॉलेज गेन होगा, या आपने सिमिलर कंपनीज की कोई सी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी करी होगी तो उसका जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो कंसिडर द नॉलेज गेन फ्रॉम द प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट या अदर एंगेजमेंट एक्टिविटी। एंड देन कंसिडर द एंटी ऑफ प्रोसीजर नेसेसरी टू परफॉर्म, कि कंसिडर द एंटी ऑफ विजिट, ठीक है, एंटी ऑफ प्रोसीजर, एसर्टेन द एंटी ऑफ प्रोसीजर, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द प्रोसीजर नेसेसरी टू परफॉर्म। तो जो है आप एसर्टेन करो कि ये एंटी ऑफ प्रोसीजर है जो जरूरी है करना, ठीक है। तो देखो, ऑडिट स्ट्रैटेजी में 3 पॉइंट तो स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन से हो गए, कि स्कोप समझने के लिए एंगेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक समझो, टाइमिंग टू कंसिडर द टाइमिंग, रिपोर्टिंग नेचर ऑफ कम्युनिकेशन किस तरीके से करें, तो आप एक बार रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव को कंसिडर करो, ठीक है। फिर डायरेक्शन, डायरेक्शन को समझने के लिए एक बार सिग्निफिकेंट फैक्टर्स एक बार देखो, कंसिडर द सिग्निफिकेंट फैक्टर्स, कंसिडर द रिजल्ट्स, कंसिडर द रिजल्ट एंड नॉलेज। जब आपने प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी करी तो उसका एक बार रिजल्ट जो है देख लो, उस रिजल्ट को कंसिडर करो। चलो ठीक है, आपने प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी नहीं करी, अगर आपने जो है कोई सा अदर एंगेजमेंट एक्टिविटी करी होगी पहले, तो उसका जो आपने नॉलेज गेन करा है तो एक बार उसको भी देख लो, एंटी ऑफ प्रोसीजर एक बार कंसिडर कर लो, एसर्टेन करो एंटी ऑफ प्रोसीजर जो जरूरी है टू डू परफॉर्म। तो ऑडिट स्ट्रैटेजी डेवलप करने के लिए आपको ये सब चीज़ें जो है कंसिडर करनी पड़ती है। अब स्ट्रैटेजी डेवलप करने के बाद आप ऑडिट प्लान डेवलप करोगे, राइट। अब देखो, आपने ऑडिट प्रोसीजर में, ऑडिट स्ट्रैटेजी में आपने एसर्टेन करा एंटी ऑफ प्रोसीजर नेसेसरी टू परफॉर्म। अब ऑडिट प्लान में क्या होगा, ऑडिट प्लान शैल इंक्लूड अ डिस्क्रिप्शन, उधर डिस्क्रिप्शन में क्या क्या बातें होंगी, डिस्क्रिप्शन ऑफ एंटी ऑफ रैप, देखो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करना है, ठीक है, जो ऐसे 315 में देख रखा है। अब ऐसे 330 है एंटी ऑफ रैप, जो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर जो आपको करना है। और चलो ठीक है, अदर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर जो है, अदर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर दैट आर रिक्वायर्ड टू बी कैरीड आउट, ठीक है, सो दैट एंगेजमेंट कंप्लाई विद ऐसे। तो अदर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर जो आपको लग रहा है, ठीक है, जो करना है, सो दैट एंगेजमेंट जो है वो ऐसे को कंप्लाई करे। तो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो डिटरमाइन है ऐसे 315 में, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है, तो ऐसा प्लान बना लो, ठीक है। और फिर अदर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर, देखो ये भी प्लान्ड रैप है, ये भी प्लान्ड फैप है, और एक अदर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर नेसेसरी टू कंप्लाई एंगेजमेंट विद ऐसे। अब समझो, ये जो हम बोल रहे हैं ना कि ऑडिट स्ट्रैटेजी बनने के बाद ऑडिट प्लान बनता है, तो ऑडिट प्लान ऐसा नहीं कि एक बार बन के खत्म हो गया, ये जो ऑडिट प्रोसीजर है, प्लानिंग फॉर दिट ऑडिट प्रोसीजर, क्या हमको एंटी ऑफ प्लांट रैप करना है, एंटी ऑफ प्लांट फैप जो भी है, तो प्लानिंग ऑफ दिस ऑडिट प्रोसीजर ये टेक्स प्लेस ओवर द कोर्स ऑफ ऑडिट, ये पूरे ओवर द कोर्स ऑफ ऑडिट जो है प्लानिंग चलती रहती है, और ये प्लानिंग जो है काफ़ी डिटेल्ड रहती है। स्ट्रैटेजी जो ठीक है, एक डायरेक्शन दे दिया, प्लानिंग काफ़ी डिटेल्ड रहती है और ये डेवलप होती है ओवर द कोर्स ऑफ ऑडिट। जैसे कि एंटी ऑफ रैप, अब ये जो एंटी ऑफ रैप है ना, ये पहले ही हो जाता है, ठीक है, यार देखो ये ऑडिट प्लान में नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, एक प्लान रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो हमको करना है, ठीक है, एंड देन ये तो अर्ली हो जाते हैं। देन उसके बाद होता है कि भैया उसके रिजल्ट पे फैप डिटरमाइन होता है ना, तो ऐसा थोड़ी ना कि रैप अभी बता दिया, फैप अभी बता दिया, भैया रैप का रिजल्ट जो आएगा उस हिसाब से फैप डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो एंटी ऑफ रैप जो है डिपेंड्स ऑन, एंटी ऑफ फैप जो है डिपेंड्स ऑन द एंटी ऑफ रैप, ठीक है ना। अब देखो ऐसा है कि हो सकता है कि कुछ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में हमको रैप के रिजल्ट की जरूरत नहीं पड़े, तो कुछ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कुछ असर्शन लेवल पर हम पहले ही स्टार्ट कर दें, बट हाँ भाई एंटी ऑफ रैप का जो रिजल्ट रहेगा वो रिजैप के रिजल्ट से फर्दर ऑडिट प्रोसीजर बेटर तरीके से हम बता पाएंगे, पर हाँ कुछ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर तो हमको कुछ असर्शन पर करना ही है, तो वो कर दो। वो ऐसा भी रहता है कि आप तो कुछ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर आपने चालू कर दिए, बट हाँ बैक एंड पे प्लानिंग भी चल रही है कि हाँ आप और ये कर सकते हो, ठीक है, तो जो करना है वो तो कर लो, बाकी डेवलप होते रहेगा रैप के रिजल्ट से। तो देखो ऐसा ही लिखा हुआ है कि आपको जो है नॉट टू प्लान, आपको सारे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर पहले ही प्लान नहीं करने, कुछ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर आपने जो प्लान करके रखे जो आपको करना ही है वो तो करो, बाकी जो है रैप के रिजल्ट से डेवलप होते रहेंगे प्लान, राइट। अब पॉइंट ये है कि आपने प्लान चलो बना लिया, ठीक है, स्ट्रैटेजी बना ली, स्ट्रैटेजी में आपने ये कंसीडर करा, रही बात है प्लान में, तो प्लान में तो डिस्क्रिप्शन था, ठीक है, फिर हमने ये भी समझा
कि देखो प्लान में डिस्क्रिप्शन था, फिर हमने ये देखा कि देखो प्लान जो है ओवर द कोर्स ऑफ ऑडिट बनता रहता है, डेवलप होता रहता है, ठीक है। जो भी है, अगर अब हमको जो है प्लानिंग चेंज करनी है, चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजन, राइट। और इस पे क्वेश्चन आया है, ये फेवरेट क्वेश्चन है, अगर आता है इसमें इस ऐसे में से क्वेश्चन तो इसमें से ही आता है। तो देखो एज अ रिजल्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट, कि कोई से इवेंट हुए अनएक्सपेक्टेड हुए, राइट, कुछ कंडीशंस चेंज हो गई है, राइट, कुछ ऑडिट एविडेंस हमने गैदर करे हैं, एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट अपन उसको एक्सटर्नल मान लेते हैं, इंटरनल में कुछ चेंजेस ऑफ कंडीशन है, ऑडिटर के एंगल से देखे तो भैया कुछ उसने ऑडिट एविडेंस ऐसा गैदर करे है और उसको लग रहा है कि ये चेंज करना चाहिए, तब चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बेसिक यही है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट एक्सटर्नल एंगल में देखा, कुछ चेंजेस इन कंडीशन देखी या कुछ एविडेंस ऑब्टेन करें। अब देखो एविडेंस ऑब्टेन को हम और डिटेल में ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम प्लान करते हैं तब एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन उस समय प्रेजेंट रहती है, राइट, एंड जो है उसके हिसाब से प्लानिंग होती है। फिर जो है आप एंटी ऑफ रैप करते हो, तो देखो क्या लिखा है, इन्फॉर्मेशन केम टू अटेंशन ऑफ ऑडिटर, जो इन्फॉर्मेशन एंटी ऑफ रैप करने के बाद आपके पास आई वो डिफर है इन्फॉर्मेशन जो उसके पास अवेलेबल थी जब वो प्लान कर रहा था। तो भैया जब उसके पास इन्फॉर्मेशन चेंज आई तो ऐसे कैसे आपको प्लानिंग में चेंज करना पड़ेगा, या छोड़ो, ठीक है। एक और पॉइंट है कि जो ऑडिट एविडेंस आपने ऑब्टेन किया जो है सिग्निफिकेंट ऑडिट प्रोसीजर या सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर से, ठीक है, जैसे कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल होता है, टेस्ट ऑफ डिटेल होता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल होता है और सब्सटैंटिव प्रोसीजर होते हैं, और सब्सटैंटिव प्रोसीजर में टेस्ट ऑफ डिटेल एंड सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर होते हैं। तो जब आप सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगा रहे थे तो आपने जो है कुछ एविडेंस ऑप्टेन करे, जो इन्फॉर्मेशन ऑप्टेन करी, जब जो डिफर है वो कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है वो ऑडिट एविडेंस से जो आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल के समय ऑप्टेन करी थी, तो ऐसे केस में जो है प्लानिंग चेंज करनी पड़ जाएगी। तो देखो एक तो हो गया रैप और फैप, और एक हो गया टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटैंटिव प्रोसीजर। तो इन्फॉर्मेशन जो हमको अटेंशन में आई वो डिफर है फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन व्हेन जब हम ऑडिट प्लान कर रहे थे, या इन एविडेंस जो हमको सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर से गैदर हुए। तो एक तो इन्फॉर्मेशन हो गया, एक तो एविडेंस हो गया, कि एविडेंस जो हमको उधर से गैदर हुए वो डिफर कर रहे थे एविडेंस जब हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल चेक करा। तो हो गया एक इन्फॉर्मेशन का पॉइंट और एक हो गया एविडेंस का पॉइंट, ठीक है। और बाद में ये तो लिखा हुआ था कि ऑडिटर जो है एक ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाते हैं जो गाइड करता है, जो बताते हैं पहले तो स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट, एंड देन वो गाइड करता है ऑडिट प्लान को डेवलप करने में। तो देखो अभी अपन ने क्या देखा कि यार प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़, देखो वो भी छोड़ो, हमने जो है सबसे पहले प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है ये देखा, डिस्क्रीट फेज नहीं कंटिन्यूस फेज है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट देखा, और प्लानिंग करते समय हमको ये सब चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए, पमला एक्सपर्ट की हमने बात कर ली, परफॉर्मेंस ऑफ रैप, मटेरियलिटी, लीगल फ्रेमवर्क एक बार देख लो, एनालिटिकल प्रोसीजर जो हमको अप्लाई करना है, एक्सपर्ट का इन्वॉल्व करना है कि नहीं करना है, ये सब हमने देखा। देन जो है की इंगेजमेंट टीम मेंबर का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में ऐसे 220 से 210 देख लो, साथ ही साथ अब प्लानिंग एक्टिविटी में एक बार ऑडिट स्ट्रैटेजी बना लो और ऑडिट प्लान बना लो, ऑडिट स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो ये सब चीज़ें कंसीडर कर लो। जो स्ट्रैटेजी हम कंसीडर करते हैं कि देखो स्कोप समझने के लिए एक बार कैरेक्टरिस्टिक समझ लो, टाइमिंग समझने के लिए रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव समझ लो, डायरेक्शन समझने के लिए एक बार सिग्निफिकेंट फैक्टर्स देख लो, कंसीडर कर लो कोई नॉलेज जो आपने गेन करके रखा हुआ था, ठीक है। फिर एक बार जो है एसर्टेन करो एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर जो आपको अप्लाई करना है, देन ऑडिट प्लान बनाओगे जो एक डिटेल प्लान देता है एंटी ऑफ रैप, एंटी ऑफ फैप, अदर ऑडिट प्रोसीजर जो है जो विच मेक द एंगेजमेंट कंप्लायंस विद द एसए, फिर जो है वो डेवलप होता रहता है, ठीक है। कुछ तो एंटी ऑफ रैप के रिजल्ट से एंटी ऑफ फैप डिटरमाइन होता है, कुछ पहले से ही फैप हमको पता रहता है वो हम पहले ही परफॉर्म कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हमने देखी। प्लानिंग में चेंज करो तो हाँ प्लानिंग में चेंज होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर देखो तो भैया अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, इंटरनल फैक्टर देखो तो चेंज इन कंडीशन है भाई, ऑडिट एविडेंस कुछ मेरे को लेटर ऑन ऑब्टेन हुए, रैप और फैप का अपन ने देखा कि रैप में जो था, ठीक है, रैप के रिजल्ट से हमारा ऑडिट प्रोसीजर प्लानिंग चेंज हो जाएगी, सब्सटैंटिव प्रोसीजर से जो हमको एविडेंस मिले उससे प्लानिंग चेंज हो जाएगी। फिर बात आती है डॉक्यूमेंटेशन की, राइट। तो ऑडिटर को डॉक्यूमेंटेशन तो करना ही पड़ेगा, सबसे पहले भाई उसने ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाई है तो वो डॉक्यूमेंट, कुछ ऑडिट प्लान बनाए हैं तो वो डॉक्यूमेंट, ठीक है। और इनफैक्ट भाई चेंजेस ही तो होते हैं प्लान में, तो जो इवेंट, जो कंडीशन जो मिली है, साथ ही साथ जो उसने एविडेंस जो बाद में कुछ गैदर हुए हैं, राइट, कुछ इन्फॉर्मेशन लेटर ऑन ऑब्टेन हुई है, ठीक है, जो डिफर करती है, जो इन्फॉर्मेशन जो प्लानिंग के दौरान थी, या कुछ एविडेंस ऑब्टेन करे सब्सटैंटिव प्रोसीजर करके जो डिफर करते जब वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल को ऑडिट कर रहा था, टेस्ट ऑफ कंट्रोल को चेक कर रहा था, ऑडिट एविडेंस जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल से मिले वो डिफर कर रहे, ठीक है, तो ये अपन ने देखा। तो ये सब भी आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा विच लीड टू चेंज इन दी प्लानिंग डिसीजन। तो ठीक है जैसे कि हमने बात करी कि हम जो है डॉक्यूमेंट करेंगे ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान और चेंजेस इन प्लान किस कारण से हुए वो सब हम डॉक्यूमेंट करते हैं। अब ऑडिट स्ट्रैटेजी को डॉक्यूमेंट करना मतलब इन द सेंस कि जो है क्या क्या चीज़ें कंसिडर करी थी,
जो हमने बात करी है कि हमको स्कोप समझना पड़ता है, राइट, सॉरी स्कोप के लिए गाइड करने के लिए आपको जो है कैरेक्टरिस्टिक समझनी पड़ती है, कुछ रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव रहते हैं, तब ये सब तो डॉक्यूमेंट होते नहीं है, पर हाँ सिग्निफिकेंट फैक्टर्स है, सिग्निफिकेंट फैक्टर्स है जो गाइड करते हैं डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट, वो सिग्निफिकेंट फैक्टर्स आप डॉक्यूमेंट कर सकते हो, जो आपने नॉलेज गेन करा है, अगर आपने प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी करी तो जो रिजल्ट आपने ऑब्टेन किया है आप वो कर सकते हो, ठीक है, तो वो सब चीज़ें आप डॉक्यूमेंट कर सकते हो। रही बात ऑडिट प्लान की, तो वो तो वैसे भी डिटेल प्रोसीजर होती है, अब ये जो है डॉक्यूमेंटेशन का काम भी अपने ऑडिट टीम करते हैं। रही बात है ऑडिट प्लान में, तो हमने देख लिया कि नहीं एंटी ऑफ रैप फैप आप डॉक्यूमेंट कर सकते हो, राइट। रही बात रहती है कि अगर आपको चेंज करना है प्लान में, ठीक है, तो भैया डॉक्यूमेंट ऑफ चेंज इन स्ट्रैटेजी, चेंज इन प्लान, ठीक है, स्ट्रैटेजी प्लान में चेंज होता है तो एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर आपके चेंज हो जाएंगे, एंड रीज़न कि भैया तो जो तुम रीज़न कि भैया क्यों चेंज करो, ये सब चीज़ें भी आती। अब देखो अभी हमने कंसिडरेशन पढ़े थे हमने ऑडिट स्ट्रैटेजी में, रही बात है प्लानिंग में, तो प्लानिंग में तो सिर्फ हमने ये देखा कि डिटेल्ड एंटी ऑफ रैप फैप ये होता है, पर कंसिडरेशन कि एक स्ट्रैटेजी जब आप बना रहे हो तो आपको जो है ये सारी जो है कंसिडरेशन आपको देखने पड़ते हैं। पर जब ऑडिट जो है इनिशियल स्टेज पे, राइट, इनिशियल ऑडिट है, ठीक है, इनिशियल स्टेज है, इनिशियल ऑडिट है, तो जब ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनानी है तो आपको ये सब चीज़ें और एडिशनल में ध्यान रखनी पड़ती है। तो लिखा हुआ है कि फॉर इनिशियल ऑडिट जो एडिशनल मैटर द ऑडिटर मे कंसिडर इन एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, कि इनिशियल ऑडिट में जो एडिशनल मैटर है ऑडिटर को कंसिडर करना पड़ेगा जब वो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बना रहा है। तो देखो कुछ एडिशनल कंसिडरेशन है इन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, राइट। अब देखो इधर इन केस में जब हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग एक्टिविटी का जो भी पर्पस है वो ऑब्जेक्टिव है वो तो सेम ही रहेगा, वो तो कभी भी होता है वो सेम ही होता है पर्पस और ऑब्जेक्टिव, पर हाँ स्कोप बढ़ जाता है, क्योंकि स्कोप बढ़ इसलिए जाता है क्योंकि हमको हमारे पास पहले कोई ऐसा प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है। तो एडिशनल मैटर ऑफ कंसिडरेशन विच अफेक्ट द ऑडिट स्ट्रैटेजी और प्लान, मतलब ले देके जब ऑडिट स्ट्रैटेजी बना रहे हो या ऑडिट प्लान बना रहे हो तो आपको ये सब चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ेगी। ये एडिशनल स्ट्रैटेजी एडिशनल पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है, वो तो रखना ही है, जो हमने स्ट्रैटेजी के पर्सपेक्टिव में देखा था ये एडिशनल कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि कुछ अरेंजमेंट आपने प्रीडिसेसर ऑडिटर के साथ किए हैं क्या, जैसे कि आपको उसके अगर वर्किंग पेपर रिव्यू करना है तो आप क्या रिव्यू कर सकते हो, बट हाँ अगर लॉ प्रोहिबिट करता है फिर तो नहीं कर सकते, पर एक बार अरेंजमेंट बात कर लो कि भैया वर्किंग पेपर एक बार रिव्यू करना है, और सिंस ये जो पहला ऑडिट है तो कुछ अगर मेजर इश्यूज़ जो है मैनेजमेंट के साथ डिस्कस हुए हैं इन कनेक्शन विद इनिशियल सिलेक्शन, एंड इन कनेक्शन विद इनिशियल सिलेक्शन अगर कुछ जो है मेजर इश्यूज़ डिस्कस हुए मैनेजमेंट के साथ इन कनेक्शन विद इनिशियल सिलेक्शन एज द ऑडिटर एंड द कम्युनिकेशन ऑफ दिस मैटर टू TCWG एंड हाउ दिस मैटर जो है अफेक्ट करता है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान को, तो अरेंजमेंट, ठीक है, एक हमने पॉइंट पढ़ा, अरेंजमेंट करो प्रीडिसेसर ऑडिटर से, एक बार देख लो उसको, राइट, कुछ मेजर इश्यूज मैनेजमेंट के साथ डिस्कस हुए हों, ठीक है, इन कनेक्शन विद इनिशियल सिलेक्शन, वो जो मेजर इश्यूज है किस हद तक वो जो है ऑडिट स्ट्रैटेजी या प्लान को अफेक्ट कर रहे हैं, राइट, फिर जो ऑडिट प्रोसीजर आपको लगाने पड़ेंगे रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंसेस ऐसे 510, ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंसेस के रिस्पेक्ट में एविडेंस आपको गैदर करना पड़ेगा, तो आपको ऐसे 510 लगाना पड़ेगा क्योंकि ऑडिट स्ट्रैटेजी में आपको वो भी ध्यान रखना है, क्योंकि फिर आप एक तरीके से वो एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है, सिग्निफिकेंट फैक्टर नहीं पर इनकेस आप उसको डायरेक्ट तो करोगे ना इंगेजमेंट टीम को कि भाई इस पर भी ध्यान देना, देखो ऑडिट जो है ओपनिंग बैलेंसेस चेक करना है। फिर कुछ अदर क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर, अदर प्रोसीजर जो फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल फॉर इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, ये अदर प्रोसीजर जो फॉलो करने पड़ते हैं क्योंकि फर्म के अंदर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम आपको फॉलो करना है, तो कुछ अदर प्रोसीजर जैसे कि भाई आपने ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाई है तो सीनियर पार्टनर रिव्यू करेगा, एक ऑडिट स्ट्रैटेजी को परफॉर्म करने से पहले एक बार उसको रिव्यू होगा, फिर इनफैक्ट रिपोर्ट्स भी रिव्यू होगी, तो प्रोसीजर देना जब आप रिपोर्ट इशू करोगे तो रिपोर्ट इशू करने से पहले एक बार सीनियर पार्टनर उसको रिव्यू करेगा क्योंकि इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है। तो इसका निमोनिक था अमीबा, अमीबा से ए से क्या आता है अरेंजमेंट विद प्रीडिसेसर ऑडिटर रिगार्डिंग रिव्यू ऑफ वर्किंग पेपर, तो आपने कुछ अरेंजमेंट करे हो, ठीक है, एक बार कंसीडर कर लो, ये एडिशनल कंसीडरेशन है। फिर आता है अपना एम से कि कुछ मेजर इश्यूज जो मैनेजमेंट और TCWG से डिस्कस करो या TCWG को पता चल गया हो क्या ये अफेक्ट करता है या कम्युनिकेट करा हो तो क्या ये अफेक्ट करता है ऑडिट स्ट्रैटेजी या प्लान को, ठीक है, तो ये हो गया मेजर इश्यूज, राइट। फिर बी से बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंसेस देखने, और ओ से तो अमीबा, ए से जो है अरेंजमेंट, एम आई से है मेजर इश्यूज, बी से बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंसेस आपको चेक करने हैं तो उस पर भी ध्यान देना है, ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर नेसेसरी टू ऑब्टेन एविडेंस रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंसेस, राइट। अमीबा तो अमीबा कर दिया इन द सेंस कि आखिरी में वो आएगा, कुछ अदर ऑडिट प्रोसीजर जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है, रिक्वायर्ड बाय द, क्योंकि जरूरी है रिक्वायर्ड बाय द फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, जैसे कि रिव्यू होगा ऑडिट प्रोसीजर आपका, ऑडिट स्ट्रैटेजी रिव्यू होगी, इनफैक्ट जो रिपोर्ट आप इशू करोगे उसके पहले भी उसका रिव्यू होगा,
ये जो एडिशनल अरेंजमेंट है जो आपको ध्यान रखना है राइट, ये जो है हमने इधर पढ़ा तो हम यहाँ से काटे तो भी चलेगा क्योंकि हमने ये उधर पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा था ना कंसीडरेशन इन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, तो भैया ये तो हमने पढ़ा ही था कि जो कंसीडरेशन इन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी तो आपको ये सब चीज़ें जो है कंसीडर करनी पड़ती है, जहाँ पे आप जो है क्योंकि ऑडिट स्ट्रैटेजी का काम क्या है, स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट टेस्ट सेटअप करना। तो स्कोप समझने के लिए कैरेक्टरिस्टिक समझनी पड़ेगी, ठीक है, टाइमिंग समझने के लिए जो है आपको रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव समझने पड़ेंगे, डायरेक्शन समझने के लिए आपको जो है सिग्निफिकेंट फैक्टर समझने पड़ेंगे राइट। फिर अगर आपने कुछ प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटी करी है तो उसका रिजल्ट को भी कंसीडर करो, या अदर इंगेजमेंट आपने पहले कुछ करे होंगे सिमिलर कंपनीज के तो उसका जो है एक्सपीरियंस आपको जो है उसको भी कंसीडर करो। फिर एन टी ऑफ प्रोसीजर, तो एन टी ऑफ प्रोसीजर जो है आपको नेसेसरी है जो परफॉर्म करना, या एन टी ऑफ रिसोर्सेज जो आपको नेसेसरी है एक परफॉर्म करने के लिए, तो ये एन टी आपको पता होना चाहिए। ये एन टी ऑफ प्रोसीजर की जगह ये एन टी ऑफ रिसोर्सेज है कि हमको जो है प्रॉपर इंगेजमेंट टीम चाहिए राइट, या प्रॉपर टाइमिंग चाहिए, तो ये एन टी ऑफ रिसोर्सेज जो नेसेसरी है टू परफॉर्म, प्रॉपर बजट क्या है, टेक इंगेजमेंट बजटिंग, ये सब चीज़ें। अब इन सब चीज़ों का डिस्क्रिप्टिव वर्जन दे के रखा है राइट। तो देखो ऐसे 300 से वैसे भी कमी क्वेश्चन आए हैं, अब इसका डिस्क्रिप्टिव पोर्शन पढ़ेंगे तो ऐसे 300 बहुत लंबा हो जाएगा, और इसके डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में से अभी तक क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो बेटर है कि हमने ये पोर्शन पढ़ा, ठीक है, हमने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी है वो हमने कवर कर ली है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पढ़ी है वही आता है एंड वो सब हमने कवर कर लिया है राइट। तो हमको ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, हमने ये देख लिया है राइट। कंसीडरेशन इन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी वो हमने देख लिया है, कभी कुछ क्वेश्चन आएगा तो तब हम उसकी बातें कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को भी हम एक बार रिव्यू करेंगे। ऑडिट स्ट्रैटेजी प्लान के डॉक्यूमेंटेशन की हमने बात कर ली, चेंज इन प्लान डिसीजन, प्लानिंग के समय जो है हमको बकायदा क्या प्लानिंग करनी पड़ती है, डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्टिव प्लानिंग होती है, और जो है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ये चलता ही रहता है राइट। कुछ कंसीडरेशन हमको ध्यान रखना पड़ता है, कुछ एडिशनल कंसीडरेशन हमको ध्यान रखना पड़ता है, वो इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट में ध्यान रखना पड़ता है, एंड देन जो है की इंगेजमेंट टीम मेंबर की ज़रूरत है हमको। इनफैक्ट हमने पमला एक्सपर्ट पढ़ा था राइट, तो फिर हमने जो है ऑडिट प्रोसीजर की जब ऑडिट प्लान बनाते तो प्लानिंग में भी कंसीडरेशन हमने देखे थे ठीक है, और मैटर्स टू बी कंसीडर, जब हमने पमला एक्सपर्ट करा कि किस परफॉर्मेंस ऑफ अदर रैप मटेरियलिटी देखा, लॉ रेगुलेशन जो एप्लीकेबल है, एनालिटिकल प्रोसीजर जो परफॉर्म करना है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट की ज़रूरत है कि नहीं है, ये सब चीज़ें देखी, और इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस ओवर करे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सीएटीवी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे में राइट, जहाँ पे हम जो है ऐसे 315 के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर ऐसे 320 देन ऐसे 330, ठीक है, इस तरीके से हम ऐसे हमारा जो है ओवर करेंगे। मिलते हैं, बाय।